गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। एक नया साल, एक नया शो, एक नया दिन, ब्रांड न्यू वाइब्स। लेकिन मैं आपकी खिदमत में हाजिर, आपका वही पुराना डॉक्टर जैजी। जी हाँ, साल नया है लेकिन मैं आपके साथ रहूंगा इस साल भी। आला, 2021 आ गया। अगर कल के देखे कैसे वक्त होता है, गुजर जाता है। कल 2020 था, आज 2021 है। एकदम जैसे मानो पलक झपकते ही साल ने करवट बदली और आज हम नई वाइब्स के साथ एंटर हो रहे हैं, नई उमंगों से, नई उम्मीदों के साथ 2021 में। ये साल अब हमें कोविड से आजाद कर देगा, इस उम्मीद के साथ कि इस साल तरक्कियां होंगी, हमारा मुल्क और पनपेगा, हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए और अच्छे अच्छे काम करेगी, हम लोग और रिफ्रेश हो जाएंगे, आई विल बी इलेक्टेड एज अ मोर नेशनल और यूनाइटेड, एक नेशनल टॉपिक उभरेंगे, ठीक है ना। तो जनाब, यूनिटी फेथ डिसिप्लिन का मंत्र अपनाते हुए, कायद का फरमान ऑप्ट करते हुए हम एंटर होते हैं आज पूरे शान मान से 2021 में एंटर होते हैं। और ये साल ऐसा है कि नया साल है, सो आई थॉट कि लेट्स मेक समथिंग वेरी स्पेशल एंड एक्साइटिंग फॉर टुडे। आज की मॉर्निंग को मैं अपने तीन बेस्टीज के साथ एंटर करना चाह रहा था, फ्रेंकली, जिनके साथ मुझे कोई वो ना हो, नो फॉर्मेलिटीज, नो रिस्ट्रिक्शन, जस्ट खाबा शो, खाना शो एंड गाना शो। और ऐसे लोग जो दिलों की बात सुनते हैं, जो मेरे दिल की बात फौरन गेस कर जाते हैं, जो मेरी बातों को माइंड नहीं करते हैं, जो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, ऐसे ही होते हैं क्लोज फ्रेंड्स, है ना। तो आइए आपको आज मैं तीन बहुत क्लोज फ्रेंड से मिलवाता हूँ। लेडीज फर्स्ट का मंत्र अपनाऊँ या यहाँ जाऊँ? अरे लेडीज फर्स्ट कर लेता हूँ, खवातीन जहाँ होती है ना वही होती है। तो एक ऐसी लड़की से मिलवाते हैं आपको जो जब से मिली है मुझे, आई थॉट कि शी इज द बेस्ट चोजन वन, शी इज टू गुड एज अ फ्रेंड, शी इज द बेस्ट। आराम से की हर बात से कह लेते हैं, बट अबव ऑल शी इज अ सुपर हिट सिंगर ऑफ पाकिस्तान, राज करती हैं दिलों पे आपके, और बहुत ही क्लासी क्वालिटी वर्क लेके चल रही हैं पिछले कई सालों से। माशाल्लाह अपना उन्होंने एक लेवल सेट किया है, जब होस्टिंग की तो वो भी शानदार की, गाने तो वो ज्ञानी हैं इस पूरी फील्ड में, कमाल गाने गाती हैं, मैशअप्स, कवर्स, ओरिजिनल गीत, गजलें, नगमे, कोई जॉनर छोड़ा नहीं इन्होंने, आला है आला और प्यारी भी बहुत है। सो वेलकम करेंगे द मनमोहनी सुरीली सिंगर ऑफ पाकिस्तान, सायरा ताहिर। तब से अब तक 5 महीने यूरोप, पता भी नहीं चला, देख ले आप, साल भागा है, टेंशनें भी आई, खुशियां भी आई, टप्पे भी बीच में आए, लेकिन आप चाहिए फाइन गोइंग गुड। और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर, और मेरे देखने वालों को, जितने लोग हमें जहाँ देखते हैं, सबको हैप्पी न्यू ईयर, और अल्लाह ताला ये साल हमारे लिए खैर वाफियत का साबित हो। बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला। चलता हूँ अपने दाएं जाने से। ये दोस्त आ गए सारे जी, समझ नहीं आ रहा कि मैं अल्फाज क्या पकड़ूं और कहाँ से ना पकड़ूं। यार आज तीनों ही बेस्ट चीज हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोल्स आई हैव एवर मेट, एक ऐसा बंदा जो जब जिनके हाथ में बहुत शिफा तो है, ये हम सब जानते हैं, ही इज़ अ ग्रेट डॉक्टर, ही इज़ अ ग्रेट स्पेशलिस्ट, इलाज करते हैं, शिफा करते हैं, कमाल करते हैं, ऐसे टूट के बताते हैं हमें आम चीज़ों में भी कि हमें ये कहते हैं यार ये भी खा इसमें, और ऐसे ऐसे ऑर्गेनिक चीज़ें बताते हैं हमें, अच्छी अच्छी हल, मतलब उसके हल बताते हैं, सोल्यूशन बताते हैं, कि वी आर जस्ट स्टन्ड कि यार ये भी होता है। एक अमेजिंग डॉक्टर, एक अमेजिंग स्पेशलिस्ट, एक अमेजिंग कंसल्टेंट, और एक अमेजिंग डोंट अबव ऑल। खास मायनों के दिन का खासा है, जब डॉक्टर फैसल मुस्कुराते हैं ना तो फिर वो हंसी के चेहरे पे आई जाती है। तो आइए वेलकम करेंगे आज इस जबरदस्त शो में द वन एंड ओनली डॉक्टर फैसल सैयद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत सही विचार में आपको आ जाए। हाँ, थैंक यू। और सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आप हमेशा इस कदर अच्छा तारुफ कराते हैं। कुछ नया वर्ड लाया था, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आप सबको बहुत बहुत नया साल मुबारक, आप सबको भी बहुत मुबारक, तो अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानियों का साथ। यकीनन है, बिल्कुल है, अभी आहिस्ता आहिस्ता बताएंगे कि क्या प्लान्स हैं और क्या सब कुछ चल रहा है। आज सुबह बैठे हुए, नया नया साल है, पहला शो है, आप दोनों पहले गए और आपकी पॉजिटिव एनर्जीज हमारे साथ आ रही है, कोशिश करते हैं कुछ करके दिखाएं, ठीक है ना। और जनाब तीसरा दोस्त कैसे भूल जाओ, मिला मुझे एक बैंक मांगते चंद साल पहले,
और ऐसी पॉजिटिव एनर्जी थी कि ये बंदा वाकई दोस्त बनने के काबिल है। टाइम गुजरा ये एक्सेल एज एन ऐसे ऐसे गाने गाते हैं कि हम भी सब हैरान हुए। सायरा की इतनी अच्छी आवाज़, बहुत आला कलेब्रेशन की तो कमाल कर दिया, ऐसे ऐसे आला गाने कर दिए कि बस अर्पण मौला बन गए, बेहतरीन इंसान, बेहतरीन दोस्त, बेहतरीन सिंगर और प्लस हमारे मुल्क के लिविंग लेजेंड नवाज अंजुम साहब का जो हसीन तारुफ उनके साथ है वो तो भी वाला प्राउड ऑफ वो भी तारुफ खूबसूरत तरीन है उनका कि वो बेटे हैं। सो आइए मिलते हैं जनाब हमारे बहुत ही प्यारे, बहुत ही आला पाए के सुपर दोस्त अहमद नवाज अंजुम। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच डॉक्टर इजाज़ साहब, आपने आज हम लोगों को नए साल के अंदर जो बॉर्डर क्रॉस करवाया है और आज हम लोग जो हाँ वाकई बॉर्डर क्रॉस हुआ है कि रात को कुछ था अब कुछ हो गया, 21 में हम लोग जो है वो एंटर हो चुके हैं और माशाल्लाह अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, क्योंकि जो पिछला साल था हमारा वो बड़ा ही जो डिस्टर्ब रहा है कोविड की वजह से, तो अब हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अब कुछ जो है वो संभल गया है और लोग काफ़ी हद तक उसमें ताकू पा चुके हैं। आ जाओ आ जाओ, आपको पॉज करूंगा, चाय आई हमारी, हमने मेहमानों के लिए चाय मंगवाई, रख दो यहाँ पर, बड़े रख दो। आज आपने वाकई शो का नाम सही रखा है, हमने सही रखा है कि आज खाना भी आने वाला है, अभी अनाउंस मैं अनाउंस करता हूँ अभी खाने का, जरा खाबे और गाने, पहले जरा चाय तो हो जाए ना, पापा प्यारी से बात कर रहे थे दिल से। तो ये मैं कह रहा था कि अल्लाह का शुक्र है कि अब हम लोग जो लोग डिस्टर्ब थे कोविड की वजह से अब वो थोड़ा कुछ संभल गए हैं, लोग उनको भी पता लग गया है कि किस तरीके से हम लोगों ने एहतियात जो है वो बरतनी है और लोगों से कितना डिस्टेंस रखना है। तो ये हमारे लिए बड़ी ऑनर है कि इतनी टेक्नोलॉजी ने हम लोगों को आगाह कर दिया, तो अब आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर होगा। मुझे इस साल के इस शो में जो पहला शो मैं कर रहा हूँ मुझे थैंक्स करना है अपने पीएम साहब का कि वाकई अगर हम जनरलाइज कंपेयर करें तो दुनिया से तो उन्होंने ऐसे कुछ मेजर्स दिए हमें जिससे काफी हद तक जो थी चीजें बेहतर हुई, और ना देखें हम साहब का क्या हाल हो रहा है, बिल्कुल वहाँ तो लाखों में लोग जा रहे हैं, पूरी दुनिया डिस्टर्ब है, वही दुनिया डिस्टर्ब है, माना तो पड़ेगा। और वंस अगेन थैंक यू सो मच, सच अ ग्रेट शो आपका। आज नाज़रीन आप लोग जानते हैं कि आज मैंने कहा है डॉक्टर फैसल आप कोई ज्ञानी बातें नहीं करेंगे, आप लोग भी कोई और थॉटफुल बातें नहीं करेंगे, आज सिर्फ चाय होगी, खाबा होगा और गाना होगा। तो पहले आप दोनों चाय ले लें और सुपर से ऊपर, हाँ ये अच्छा किया आपने। तो जनाब बातें मजे की हो रही हैं, चाय मजे की हमारे हाथ में आ गई है और गरम गरम चाय है एंड यू आर लविंग इट। लेकिन जनाब साल है 2021, कितना अच्छा लग रहा है ये सब कुछ जानते मानते हुए कि 2021 जो है वो आ चुका है ना, तो सही मानों में आ चुका है। और बातें शुरू करते हैं सिलसिला सायरा से स्टार्ट करते हैं या फिर इनसे, भाई से स्टार्ट करता हूँ, है ना डॉक्टर फैसल, 2020 डॉक्टर फैसल के लिए कैसा था, पहले हम जरा जाएंगे बैक पे फिर आगे चलेंगे। अच्छा टू बी ऑनेस्ट 2020 अच्छा नहीं था। अच्छा ठीक है ठीक है, नॉट प्रोफेशनली, नॉट मेंटली, नॉट फाइनेंशियली, ओवरऑल भी, और ख़ास तौर से मैं एक आपको पता है एक सेट बैक से गुजरा, एक फ्रॉड से गुजरा, तो उसके बाद फिर मुझे जो सा है काफ़ी चीज़ें फेस करनी पड़ी, तो 2020 जो सा था इज नॉट अ माइन ईयर, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था, लेकिन होपफुली इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा तो 2021 हम सब के लिए बेहतर होगा। पर ये कोविड कब बताएं? अच्छा कोविड 6-7 सेंस क्या कहती है कि कोविड कब जाने वाला है इस दुनिया में? मैं खैर 6-7 माह तक इंशाल्लाह मजीद बेहतर हो जाएगा। अच्छा इसमें मैं आपको एक बार बताऊं कि आपने नाम सुना होगा प्रोफेसर अहमद रफीक अख्तर साहब का, स्पिरिचुअल आदमी हैं बिल्कुल, उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से ये बात कही कि पाकिस्तानी इसलिए महफूज रहे कि इनकी दो इम्यूनिटीज़ बहुत अच्छी हैं। क्या? एक ये कि हमारी फिजिकल कि हम हर गंद बला भी खा लेते हैं, और दूसरा ये कि हमारी स्पिरिचुअल कि हम हर चीज़ कहते हैं अल्लाह मालिक है, तो जब हम अल्लाह ताला को इतना इन रखते हैं तो फिर अल्लाह ताला भी हमें महफूज रखते हैं। सही बात है, बहुत तो उनकी बहुत प्यारी बात है, बहुत प्यारी बात तो आप भी बहुत करते हैं आपस की बात है। और मैंने देखा कि आज आप बातें करें बस दिल से बातें करने कहते जाएं, आपके लिए कैसा रास्ता रहता है 2020? हाउ वाज इट मेंटली? तो थोड़ा ऑब्वियसली सबके साथ कोविड का जो चल रहा था सर, और डे बाय डे और बल्कि सेकंड्स में और मिनट्स में जो हम इतनी बैड न्यूज सुन रहे थे, तो डिस्टर्ब था, लेकिन मैं समझती हूँ कि अच्छा इसलिए, थोड़ा सा अच्छा इसलिए रहा है कि इस कोविड ने हमें अल्लाह के बाद नज़दीक किया। या हम बहुत रिलीजियस भी हुए हैं दादा, और हमने रिश्तों को पहचाना कि जो हम लोगों के लिए जो कुछ सोचते थे या करते थे उसमें हमें कम से कम इंसानियत की कदर आ गई, और हमें ये एहसास हो गया कि अल्लाह के करीब होना है और इबादत करनी है,
तो मेरे ख्याल से उन दुआओं के सदक़े, उन रहमतों के और उन नमाज़ों के सदक़े हम पे अभी भी बाकी ममालिक से, बाकी दुनिया में हम बहुत अभी महफूज हैं। बहुत आला। और म्यूजिक वाइज बहुत अच्छा रहा, नो डाउट कि शोज वगैरह नहीं हुए, लेकिन मैंने पहले अभी आपको बताया था कि मेरे ख्याल से कोविड में मैं बहुत बिजी रहूँ क्योंकि मेरी ऑनलाइन क्लासेस थी, बच्चे फ्री थे, स्कूल्स ऑफ थे, तो ऑनलाइन क्लासेस म्यूजिक स्टार्ट हुई थी, तो मैं तो बड़ा अच्छा मेरा सिलसिला ला और क्लासेस लेते रहे और चलता रहा सिलसिला। सुपर, अच्छा सुपर से सुपर, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और आप बताइए। जाना चाहूँगा जो बातें उन्होंने कही कि सेम एज इट इज मेरे भी हैं, लेकिन अल्लाह का बड़ा खास करम है, कोविड में भी बड़ा काम किया, गेट टूगेदर्स थी, काफ़ी शोज भी हुए हैं, लेकिन वो बड़े छुप छुप के जरा कहते हैं ना, बड़े अंदर सिक्योरिटी वाइज करके अगर उसको देखा जाए तो उस तरीके के शोज भी हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह घर एक महीना या दो महीने ज़्यादा बैठे होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है जॉब भी करते हैं साथ साथ, ये भी है, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह की बड़ी है। सही बात है। और नाज़रीन, आप लोगों की इत्तला के लिए मैंने कल भी अनाउंस किया था कि आज का शो आम शो नहीं है, यहाँ पर खाबा प्रोग्राम भी होगा, लेकिन चूंकि वो इतना खाना है गाइस आप लोग लेकर आ गए, थैंक यू सो मच। और आइए जरा पूछते हैं बारी बारी कि हम क्या क्या लेकर आए हैं, फिर हम जाएंगे टू द फर्स्ट सॉन्ग। तो लगता है कि जो खाना है ये, लेकिन मुझे लगता है कि हम यहाँ खाना खा नहीं पाएंगे आज, बिकॉज खाना नाज़रीन इतना ज्यादा है। आई कैन मैक्स शो यू द पिक्चर्स आफ्टर द ईटिंग ऑल द थिंग्स। नहीं, हम इस तरह करते हैं जैसे ही खाना आता है हम उसकी पिक्चर्स बना लेते हैं और वो हम ऑडियंस से शेयर कर लेते हैं, क्योंकि हम जब खाएंगे वो मेरे ख्याल से प्रोग्राम के बाद दिखाया जाएगा। आप अपनी स्क्रीन पे जो पिक्चर है वो जरूर मैं लेके आया हूँ, बादामी ज़ाफ़रानी कोरमा, खुद बनाया और ये मेरी सिग्नेचर रेसिपी। क्या है उसमें खास बात? उसमें वो पानी इस्तेमाल नहीं होता पकते हुए, उसमें सिर्फ और सिर्फ दही और दूध का इस्तेमाल होता है, फिर बादाम का पेस्ट होता है और उसमें ज़ाफ़रान जाता है, इसलिए लगता है जायका आला होगा उसका। जैसी क्या लेके आए? लेकिन बात सुनिए, साथ में गरम गरम नान भी तो होंगे ना? हाँ, लेकिन नान सुपर सुपर। यार शो बात करेंगे पहले खा। मैं शो तो होते रहते हैं, पूरे साल ही शो किए हैं, आपसे गाने सुनते हैं, इनसे ज्ञान सुनते हैं, हम चाह रहे हैं कुछ बातें करें डिफरेंट तरह की। तो नाज़रीन, मैं गेस करें क्या लेके आया हूँ। मेरी एक बहुत, यू नो, मेरे साथ एक चीज की एसोसिएशन है, चाहते हैं मेरा स्टार्ट क्या है, स्पाइसेस। स्पाइसेस की निशानी क्या है? दो मुट्ठी मछलियाँ। तो मैं लेके आया हूँ फिश। अब वो फिश सिद्दीकी है, आला मछली है, और आप खाएंगे तो जो धुआं निकलता है ना, तो खोलते हैं। We love it. मैं एक बड़ी जबरदस्त स्पेशलिटी ये जो है अरबिक फूड में, वो मैं मंदी लेकर आया। मैं मिस कर रहा हूँ मंदी को, मेरे चिकन की मंदी है और उसके साथ कुछ लवाजमात है जो मंदी के साथ मिलते हैं, चटनी, और वो जो चटनी होती है टोमेटो की। हाँ एग्जैक्टली, और होते तो चावल ही हैं, लेकिन इसके अंदर जो खुशबू होती है वो बारबेक्यू टाइप और कुछ कोयले की, बहुत ही अरबिक स्मेल है अरबिक वो। तो आज आपको टेस्ट करवा बनवा के लाए जी, बिल्कुल हम पिक्चर जरूर दिखाने वाले हैं आपको, ताकि नाज़रीन को टेम्पटेशन ना रहे। लेकिन जब इतना नमकीन होता है ना सायरा, तो मैं कुछ आपसे मीठा एक्सपेक्ट करने का। जी बिल्कुल, जहाँ पे इतना नमकीन चल रहा है, मछली है, कोरमा है, फिर मंदी है, तो मैंने आज जो है वो खीर बनाई। ओह माय गॉड। लेकिन गाइस, मेरी एक शर्त है उस खीर के लिए कि वो खीर मैं खाऊंगा थोड़ी सी नान के साथ। नान के साथ इतना मजा आता है खीर खाने का। सुने कहता कि मेरा सुने नाश्ता का स्वभाव होता है कभी कभी सर्दियों में, पाए, कुलचे, खीर, अब और मक्खन भी, मक्खन भूल गए अभी आप, मक्खन भी एक ने वाला पाए का खाया, टेस्ट लिया, अगला ने वाला खीर का खाया, अभी मक्खन के भर के लकमा बनाया। खीर के साथ नान का तो एक अपना लिटिल कॉम्बो है। और इसी बात पे आज की पहली मुस्कान 2021 का पहला गाना आप गा रहे हैं मेरे शो में, हिस्ट्री क्रिएट हो रही है इस वक्त। ऊपर से ऊपर आ गए हम वापस। क्या समा बांधते हो भैया, हम सब घूम रहे थे, गा रहे थे, है ना। और सबसे अच्छी बात है कि ये जो उनसे बहुत एनर्जी के साथ गाते हैं। यस, एनर्जी बड़ी इनकी है। डॉक्टर साहब, इसमें ना एक बात है जो मैंने लोगों से अक्सर मैं शेयर भी करता हूँ,
कि जब तक आपको परफॉर्मेंस का मजा नहीं आएगा तो ऑडियंस कैसे उसका मजा नहीं है। तो आपके अंदर इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि आप लोगों को दे एनर्जी ताकि वो भी इंजॉय कर सके, क्योंकि तो ये चीज होती है आप खड़े होकर गा रहे हैं फोर्थ की तो आया गाना गा रहे हैं, इस तरह नहीं होता है। आप परफॉर्मर हैं बाकायदा, थैंक यू। और आवाज तो जनाब सेगमेंट आ गया हमारा, एक सेगमेंट बेस्ट ऑफ 2020। आपकी राय ली जाएगी, आप सबके एक विजन है जी, आप लोग शोबिज का टूट अंग है सारे, आप रोज मॉर्निंग शो में आते हैं, अक्सर टॉप में जाते हैं, आपका एक नजर है और आप लोग तो ज्ञानी है सिंगिंग के, तो लेट्स सी कि इनकी राय में ये कैटेगरीज में 2020 में कौन बेस्ट रहा। लेट्स सी आपकी राय है, इट्स ऑल पर्सनल राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद अहमद आपसे, बेस्ट एक्टर ऑफ 2020 पाकिस्तानी। मेरे पास तो वो खत्म हुआ था मार्च वगैरह में जाके, फरवरी में लेकिन वो भी खत्म हो गए। आपके ख्याल में कौन है? हां मैं कहूं हुमायूं सईद। हुमायूं सईद एग्री करेंगे। सो बेस्ट एक्टर अवार्ड गोज टू हुमायूं सईद। बेस्ट एक्ट्रेस सजल है जी, सजल जिनकी शादी हुई इस साल। हाँ ठीक है। महविश हयात। महविश हयात हीरा मानी। लेकिन एक बात, वो रोती बहुत है, क्यूट बहुत है, जब वो रोती है तो रेटिंग्स आती है। तो आई थिंक ये दोनों लड़कियां जो है माना पड़ेगा, लेकिन मायरा खान को भूल गए आप लोग। लेकिन ड्रामों में तो एज ऑनियर रहे ना ये लोग, सजल भी ऑनियर रही है। ओके अब आ गया कुछ आपका अपना फील, बेस्ट मेल सिंगर ऑफ द ईयर अहमद के अलावा शफकत अमानत अली। गुड चॉइस सज्जाद अली। सज्जाद रावी, रावी गाने को तो रावी को तो लक्स स्टाइल अवार्ड का बेस्ट गाना मिल गया, वो तो बहुत अच्छा आ गया, जबरदस्त हो गया। और आपके रखब सज्जाद। सो बेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर, बेस्ट सिंगर ऑफ द ईयर इज सज्जाद अली। और डेफिनेटली गाना ही प्ले करेंगे हम आज इस टाइम पर, ट्राई करता हूं चेक करने की। वैसे भी आई एम ऑलरेडी सिंगर्स। तो बेस्ट पॉलिटिशियन ऑफ द ईयर कौन से हैं? कौन से वाले? कराची के जो से लाला पास। नहीं नहीं वो इसका नाम मुझे जहन में नहीं आ रहा, मैं ख्याल है कि उन्होंने अपना बिल्कुल स्टाइल बड़ा अच्छा चेंज किया और बड़े ग्रेसफुल लगे। अच्छा। सजल अली के ड्रामे में भी थे, वो सजल अली के बाप बने। अदनान सिद्दीकी। अदनान सिद्दीकी। ओके गुड चॉइस, गुड चॉइस, क्या बात है, बिल्कुल सही है। बेस्ट ड्रामा ऑफ द ईयर मेरे पास तो यस बिल्कुल सही कहा। मेरे ख्याल से महरपोश। महरपोश देखा आपने? अभी तो चल रहा है। मुझे ये बताओ कि तो किससे रह गई है, मुझे बताएं कि आधे लगने रात को। अच्छा ट्विस्ट दिया है बात, सिर्फ बहुत बोंगा ट्विस्ट दिया तो है ना। आपको पता है जब बहन को मारा इन्होंने जान बूझ के, हमारे राइटर का ना एक गिला है मुझसे, मतलब मैं कहता हूँ उनको देखो जब तुम लोग से ड्रामे एंड नहीं होते ना तो मार देते लोगों को। फेसबुक पे भी शेयर किया था, ये ट्रू फैक्ट है। मुझे बड़े इनबॉक्सेस आए इसके बाद राइटर्स के, चेंज कर दिया ना। नहीं तो आप देखिए मेरे पास तो मोमेंट भी यही हुआ है ना। 1000 मुझे मार दिया उन्होंने। देवा मर गए। वो तो बहुत ही कोई तुक्का एंड था, लेकिन फिर ड्रामा सपोर्ट हो चुका था उसका। और आपके ख्याल? मेरा ख्याल है किसी पिटी मोहब्बत। हां वो अच्छा ड्रामा है। नाइस नाइस नाइस। कैच डायलॉग मजे के हैं। वर्स्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर रावी। वर्स्ट वर्स्ट नॉट बेस्ट। आपको वर्स्ट लग रहा है वो? मेरे मेरी नजर में काफी और भी गाने आए हैं, जरूरी नहीं कि एक ही। सायरा जी मैं तो अभी सोच रही हूँ। जूरी ने कहा बेस्ट था, इन्होंने कहा वर्स्ट था। और भी बड़े गाने हैं जरूरी नहीं। एक बात तो है कि गाना दुबई के बर्थ दुबई पे एक जगह से स्टार्ट हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। मरीना से स्टार्ट हुआ मरीना पे। मुझे मेरे बेटा कहता पापा ये सिंगर ना बहुत सस्ते गाने बनाता है दोनों का। मेरा तो यही रहा लॉर्ड या मुंडिया, बस उसके अलावा तो हम दोनों को मेरे ख्याल से टप्पे टप्पे इज द टप्पे वाज अ बिग ब्लॉकबस्टर हिट है ना। टप्पे जो है वो आज मैं उस पे करने वाला हूं। 1 मिलियन क्रॉस कर चुका हूं। यस
एंड द वे आई हैव प्लेड इन द शो ऑन एफएम पीपल लव्ड इट. वैसे मैं दोबारा से शो स्टार्ट कर रहा हूं 10 बजे के स्लॉट से रात के. wow. तो दोबारा से आप लोग तैयार हो जाने के लिए वहां रात को 10 बजे पता आता है ना शो करने का. वो रात अच्छा को रात को लोग सुनते भी हैं. सुनते भी हैं बिल्कुल सुनते हैं. रिलैक्स होते हैं ना उस टाइम. ये मुझे कोई नहीं सुनता फ्रैंकली 6 से 8 इनकी राय बहुत जरूरी थी कि ये क्या सोचते हैं इस साल को लेके. 2021 रेजोल्यूशन क्या बनाई है आप लोगों ने कि क्या करने वाले जो लास्ट ईयर नहीं किया. काम पे मजीद फोकस और लोगों के साथ अच्छा रहना लेकिन ट्रस्ट किसी पे नहीं करना. फैसल मैंने भी सुना फैसल साहब कि मैंने अपनी लिस्ट से फेकर्स को निकाल दिया. निकालना ही बेहतर है ना. जरूरी है. बहुत जरूरी. तो किसी के नहीं होते ये लोग सिवाय नुकसान देने के कुछ नहीं. टाइम पास होते हैं ऐसे लोग सिर्फ. जब उनका टाइम निकलता है ना वो बेसिकली जो अंदर से उनकी रियलिटी बेस होते हैं वो उनका अंदर से. अनफॉर्चुनेटली जो अच्छे नाम हैं वो इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व. मेरी जो है वो बेस्ट काम की जो हमने किया उसे बेस्ट करना है और एक नया वीडियो आपको भी पता है सही एक दो दिन में ही बहुत अच्छी चीज आ रही है. मैं अनवील नहीं करूंगा. मेरे होंठों पे ताला लग चुका है. मेरे होंठ हिला दिए गए हैं. लेकिन वो जो गाना इन दोनों का आ रहा है ना डॉक्टर फैसल वो ब्लॉकबस्टर हिट है. अच्छा ऐसे एक बार मैं बताऊं कि आपके शो में मैंने इनको सुनना शुरू किया. अच्छा वेरी नाइस. और मैं ख्याल कि इस वक्त मैं बड़ी गारंटी से कह रहा हूँ कि ये दोनों अब मेरे फेवरेट हैं. ये ऑनेस्टली बल्कि एक और अच्छा बताओ बात में आपको. मुझे परसों किसी लड़के ने मैसेज किया कि बहुत ये सच बात है फ्रॉम आई थिंक साहिबाल फ्रॉम समथिंग लाइक एरिया लाइक दिस की जॉब था. वो जो सिंगर आए थे ना जब आपको जो मैं मॉर्निंग शो में जब नाच था हमने पाए खाए थे दोबारा क्यों नहीं आए. मैं कहा सब्र करो यू नो इतनी लोग नोट करते हैं और लोग प्यार करते हैं. और मैं समझती हूँ जैसे अभी भी मैं डिस्कस कर रही थी एक जगह पे कि जितना मर्जी सोशल मीडिया आ गया यूट्यूब आ गया अब लोग कह रहे हैं जी स्क्रीन तो नहीं रह गई टीवी तो नहीं रह गया आप सब कुछ तो यूट्यूब पे आ गया हमें उसका देखना पड़ता है. आपकी शक्ल अगर एक दफा आपका फेस किसी स्क्रीन चैनल पे रजिस्टर्ड हो गया आपको किसी ने दो सेकंड के लिए भी ऐसे चलते चलते देखा है मुझे मैं डेफिनेटली कहती हूँ कि मुझे रात को सायरा ये आपने कमाल बात की है. मैं अक्सर जगहों पे जाता हूँ इवन मतलब बहुत जगह जहाँ कोई ताल्लुक ही मीडिया का सोशल मीडिया का मुझे लोग कहते हैं कि हम आपका शो देख रहे हैं. दैट मींस कि टीवी की है एक अलग सी प्रेजेंस होती है. हर चैनल की अपनी अपनी व्यूअरशिप है अपना मेयार है टीवी का अपना मेयार बिल्कुल. अगर हम देखते हैं रोक के क्या बहुत सा गेस्ट आया आपने और आप बताइए आपकी आपकी क्या है. बस एक इंशाल्लाह बहुत जल्द हम लोगों ने वीडियो किया है बहुत जल्द ऑनियर करेंगे. और इसके अलावा इंशाल्लाह अपकमिंग मेरे इंडिविजुअल सॉन्ग भी आए वो बहुत जल्द आप लोगों को सुनने में मिलेंगे. और मैं और सारा अनप्लग सीजन भी कर रहा हूँ. रियली बहुत जल्द इंशाल्लाह. वैसे बताओ मैं भी कुछ बहुत जल्द देखे आ रहा हूँ. मैं डील नहीं करूँगा लेकिन वो कुछ म्यूजिक से ही रिलेटेड हम दोनों का जो नेक्स्ट सुन ले आप लोग मुझे तो आपकी बहुत रहनुमाई चाहिए होगी. समथिंग न्यू एंड क्लासी एंड स्पेशल. हम दोनों को जो नेक्स्ट है इंशाल्लाह वो कुक स्टूडियो से भी मौसम किस्म का स्टेज होगा और हम दोनों होंगे सिर्फ उसमें इंशाल्लाह. वो पूरा एक पैकेज होगा. बहुत आला बहुत आला. इस बात पे मेरे ख्याल है कि दावत देंगे सायरा जी आपको गाना कोई गाइए और कोई क्लासिक मजे का गाना हो गया जिसमें आप झूमे गाएं ना. रूना लैला जी का एक गाना. कौन सा गाना है वो. दिल धड़के ओ आई लव इट आई लव इट आई लव इट जी. तो हम साथ देंगे आपका दिखा जी. आ गए हम वापस दिल धड़के मैं तुमसे. पहला शो चल रहा है 2021 का. डोंट फॉरगेट आवर इंस्टाग्राम फेसबुक जहाँ पर आके आप अपना फीडबैक देंगे. DREJAZWARS हमारा आईडी है. हमारा व्हाट्सएप नंबर जानते हैं ना आप. मैसेज किया करें. कोई भी सिलेब देखना चाहते हैं हमारे शो में हम हाजिर खिदमत है आपके लिए. फिलहाल सेगमेंट गेम्स स्टार्ट करते हैं. बहुत हो गया गेम्स की बारे में. गेम्स है तुमको देखा तो ये ख्याल आया. हम कुछ नाम लेंगे आपके सामने पाकिस्तान के हॉट शॉट सेलिब्रिटीज के. उनको नाम सुनकर क्या लफ्ज़ ज़हन में आता है बताना है आपने. तो आपसे स्टार्ट करते हैं. मीरा बेवकूफ. इतना ब्लंट. हाल रीमा जी हैंडसम हैंडसम बेवकूफ.
आयदा खान खूबसूरत यस मैं भी शयाद टॉल वारिस बेग चले ओम काफी है ठीक है राज फतेह अली खान अच्छे आर्टिस्ट अच्छे आर्टिस्ट बहुत आला सज्जाद अली अब आपको बताए दिया सुपर से भी ऊपर मैं कहता हूँ रावी एक बात कर रहा शान ग्रेट एक्टर सना जावेद नहीं पता मैं जसपाल की जो शादी जैसे हो रही मावरा हुसैन सो सो उर्वा हुसैन फिफ्टी फिफ्टी ओके साइमा जी जो हमारी प्रीवियस एक्ट्रेस हैं पंजाबी फिल्में उसके उनके बगैर शायद अधूरी हैं बिल्कुल फरहान सईद खूबसूरत हाँ सबा कमर जमान माय फेवरेट मायरा खान बहुत खूबसूरत ये दिल से कहा गया दिल से कहा गया सजल अली प्यारी आंखें यस फवाद खान हैंडसम लुक मलिक शब्बीर पता अच्छा मुझसे आप वो पूछ रहे हैं जो बाकी मुझे नहीं बाकी देखिए मैं तो ये लगा रहा हूँ आइडिया कि बंदा अगर 10-15 साल से काम है और आपको नहीं पता उसके बारे में तो बेचारा क्या काम है आपको बात कर रहा हूँ एनालिसिस करने बैठे यहाँ पे किसका शब्बीर देख फलक प्लीज हिट हो जाओ अच्छा जाके जल्दी और आयमा बेग अब म्यूजिक के ज्ञानी दोनों बैठे हैं जिनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया आपका तो खास तौर पे तो जो नई आवाजें आई हैं तो नाम लीजिए ना आप जरा बताएं हमें 2-3 नाम अपने लड़के लड़की हो गए जिनका अच्छा काम करें आपके साथ मेरे ख्याल से डॉक्टर एजाज आपने एक सवाल बड़ा अच्छा किया लेकिन मेरे ख्याल से ना परफॉर्मर आ रहे हो ना सिंगर आ रहे हैं अच्छा ज्यादातर लोग ये टिकटॉकर और जस्ट इस काम को लेके लोग टाइम पास कर रहे हैं मेरी नज़र में अभी तक मुझे भी मतलब आए हुए 5-6 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह और मेरे साथ के जो बैच के लोग हैं वो भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं नज़र आ लेकिन हमारे बाद का मुझे अभी ऐसा कोई सिलसिला नज़र नहीं आ रहा जिसमें मैंने कहीं किसी भी ऐसे आर्टिस्ट को या ऐसे सिंगर को सुना हो जो लग रहा हो कि हाँ भाई इसमें इतना दम है कि ये आगे बहुत कुछ टाइम ये चलेंगे बिल्कुल ठीक है और आपके ख्याल मेरी नज़र में जो है इमरान हाशमी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और जो है अपकमिंग वीडियोस भी आ रही हैं उनकी और इसके अलावा शाज़ द बैंड दोनों बड़ा अच्छा करते हैं स्टेज को कवर अब बड़ा लोगों को एंटरटेन भी करते हैं न्यू कवर में मैं अभी किसी को इतना ठीक है बिल्कुल सही आइए जनाब एक और परफॉर्मेंस हो जाए इस बार आप फिर आएंगे और इस बार हम ज्वाइन करेंगे आपको ठीक है जाते को माफ़ी तब खूब झूमना चाहिए आइए जनाब एंजॉय करें साल का पहला शो 2021 का जैसे के साथ आ जाओ जनाब वापस आ गए गाने पे गाने चल रहे हैं मजे की बातें हो रही हैं फिलहाल मुहावरा टाइम आ गया है हमारा फेवरेट सेगमेंट है और अब हमें नए मुहावरे निकाले हमने सुने ये टीम भी है अकेले मैं इनके साथ हूँ लेकिन डोंट वरी टीम ए आप दोनों है नए मुहावरे हमने कुछ निकाले आपके जाने के बाद निकाले थे नया चल रहे हैं सीजन आजकल तो लेट्स स्टार्ट एक्टिंग करनी इन्होंने गेस करना है एक्टिंग करनी इन्होंने गेस करना है ठीक है डन जी
हो बड़ा मुश्किल है। आसान है लेकिन सारे ऑलमोस्ट जानवरों के बारे में लग रहे हैं मुझे सारे आज के। क्या है इसका बताओ? देखिए तो एक जानवर होता है जो कुर्बानी पे होता है, क्या कहते हैं उसको? उसके बारे में बकरे की माता खैर। बड़ी बातें आ गई अल्लाह। आसान है। जितने मुंह उतनी बात थी। वाह डॉक्टर साहब। नहीं आपने ये क्या था, इतनी अच्छी एक्टिंग। जितनी चादर उतने ओ माय गॉड यार, आज तो लगता है कुछ ज्यादा लाइक लोग आ गए। माय गॉड लाइक लोग बहुत आ चुके हैं लगता है। गरजते वो बरसते। अंत हो गया। बस यहाँ से लफ मिट गया है ना, आपको इस बात का आइडिया होगा। जानवर के बारे में, एक ऐसा जानवर जो हज करने जिसकी लाठी मैं कहता हूँ, मैं तो आज बस हैरान हो रहा हूँ ये हो क्या रहा है यार। बराबर जा रहे आसान देती है दो तीन। हाँ बस बिल्डिंग का शाबाश। अब दो देता हूँ लास्ट हो गई है। गलत कुछ हो जाए ये आसान नहीं है। अच्छा ये आसान नहीं है। उधर मर मेरे नाल आगे बैठ। नहीं नहीं घर में कौन आता है? मेहमान। उनके बारे में मेहमान का एक मशहूर मुहावरा है, जान जान जाना पहचान। हाय जी तो आखिरी मुहावरा आपका ये तो मत करें। ये शोबिज का एक खास रूल है। जिस थाली में खाओ उसी में छेद। क्या बात है। मैं कहता हूँ आज का हमारा पहला ही था और कभी रिकॉर्ड है इतना फास्ट किसी ने गैस नहीं किया होगा। अच्छा थैंक यू, मैं खाली उन्हें बताया बहुत अच्छा लगा। कुछ ये रिकॉर्ड था हमारा, बिल्कुल सही है। नाज़रीन बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, लाइव शो है, आप लोग शो देख रहे हैं और कह रहे हैं कि डॉक्टर फैसल बैठे हो और टिप्स क्यों नहीं ले रहे आप उनसे। जाहिर बात है हम फन कर रहे हैं, लेकिन चले बात कर लेते हैं उनसे। डॉक्टर साहब कोरोना और ये वेव्स तो चल रही हैं, लेकिन इम्यूनिटी बूस्टर्स की बहुत रिक्वायरमेंट्स हैं। मैं भी देखिए आजकल बहुत यूज पीता हूँ डॉक्टर साहब में अपना, बिकॉज आई थिंक इम्यूनिटी पावर अच्छी होगी, विटामिन्स जाएंगे तो हम हेल्दी भी रहेंगे। सो नए साल में क्या नई टिप्स देने जा रहे हैं आप कि आखिर हम क्या क्या ऑप्ट करें डाइट में ऐसा कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो जाए? आया हुआ ठीक है, माल्टे का जूस निकालिए, उसमें दालचीनी और बादियान खटाई जिसको स्टार एनीस कहते हैं, ठीक है, उसको हल्का सा पकाने के लिए रख दीजिए। ठीक है ठीक है, जब वो जूस उसका थिक हो जाए उसको उतार लीजिए, छान के रखें और रोज़ाना एक चम्मच उस सिरप का पी लिया करें, इंशाल्लाह इम्यूनिटी बेहतरीन हो जाएगी। और अगर हमने कुछ ऐसा बताएंगे कि भूख देखें आप सारे घूम रहे हैं भाई, आप कुछ खा नहीं रहे हैं, तो आप ऐसा कौन सा जूस पिए, मतलब एक बात कर रहा हूँ जिससे आपका वेट भी ना बढ़े और आपकी भूख मिटती जाए। गाजरें, बिल्कुल गाजरें सीजन में, गाजर और माल्टे का कॉम्बिनेशन बेहतरीन कॉम्बिनेशन है ना। हाँ चुकंदर डाल लो, गाजर प्लस जबरदस्त है लेकिन। हाँ ठीक है, मतलब कोई भी नो सॉल्ट नो शुगर, कोई भी सिट्रस फ्रूट हो, माल्टा हो, किन्नू हो, फूटर हो, कोई भी चीज है, नो सॉल्ट नो शुगर है ना, ये जरूरी है। ठीक हो गया जी। और जो हमारे सवाल आया हमसे राहिला ने पूछा है फ्रॉम कराची के, ड्राई स्किन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, डॉक्टर साहब बैठे हैं प्लीज फायदा उठाइए उनका। गिरी का जो तेल है वो या एक चम्मच पी लें आप या वो यूज करें, बिल्कुल याद रखना। उन्हें याद रखना, आजकल सर्दियां कुछ ज्यादा ही हो गई हैं। उसमें सबसे अच्छी चीज ये कि जो हमारी पेट्रोलियम जेली होती है उसको मेल्ट कर लें माइक्रोवेव में और उसमें डाल दें बादाम का रोगन, रोगन है बादाम,
उसको मिक्स करके रख लें रोज़ाना, रात को इसका मसाज करें अपने हाथों पे, पाँव पे, चेहरे पे, तो इंशाल्लाह स्किन बिल्कुल फ्रेश रहेगी। बहुत आला, इसी बात पे लेते हैं एक और म्यूजिकल। यार जब सिंगर बैठे हो तो मेरे गाने में गाना होना चाहिए, और अब गाना है फिर से आपका, क्योंकि आप इतना अच्छा गाती हैं, हमने कहा एक और गाने की फरमाइश आई आपके लिए। सब गाना कौन सुना रही हैं आप? मैं सुना रही हूँ जी लाहौर पे का। लाहौर बड़ा हिट हुआ गाना इस साल आपका, आगे सुनते हैं, आ जाइए। और जनाब अब गेम शुरू करते हैं रैपिड फायर राउंड। और सवाल ऐसे हैं कि अद्दा अद्दी मजा आ जाए। मैं बताऊंगा आपको अभी, यू लव द क्वेश्चन, नए सवाल आए हैं ढूंढ के आप लोगों के लिए, आज नए साल के नए सवाल हैं। स्टार्ट करें आपके। व्हाट इज योर बेस्ट फीचर? अब बताइए। नोज। सही है। इफ यू कुड स्विम इन एनी लिक्विड, किस लिक्विड में स्विम करना चाहोगे? पेट्रोल में। बट आई लव द स्मेल ऑफ पेट्रोल, आई लव इट। पीली ला रहे हो? सुपर से ऊपर। मुझे पेट्रोल की स्मेल मुझे बहुत अच्छी लगती है, आई लव इट। पेट्रोल। हमारे गेस्ट कहते हैं मैं जाऊंगा किसी परफ्यूम में जाना चाहूंगा। पेट्रोल। ओके, व्हाट हैव यू डन दैट यू आर मोस्ट प्राउड ऑफ टिल नाउ? Alhamdulillah, I'm good, sir. Ah, nice. बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त, जबरदस्त। How many keys do you have on your key ring? Just two. अच्छा, कौन-कौन सी? गाड़ी की? गाड़ी की और एक घर की। घर की, ठीक हो गया। मेरे तो पता नहीं 5-6 हैं। What's your favorite song these days? जो आपका नहीं, आप humming कर रहे हैं उसकी? सबको ढोल मनावना है। Ah, तो लाइन हो जाए उसकी? Yeah, फिर। लाइन माइक का आपके पास। सबको ढोल मनावना है। I love it. साकू यार मनावना है, भावे सिर दी बाजी लग जावे, भावे सिर दी बाजी लग जावे। जबरदस्त, जबरदस्त हो गया। योर फेवरेट सुपर हीरो एंड व्हाई? सुपरमैन। सुपर हीरो मैं हर मैन था। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है, जबरदस्त हो गया। वन फूड यू वुडंट गिव अप ऑन, छोड़ेंगे नहीं, आपने खा के, ये तो आपकी एक एडिक्शन है। रियली ना, अगर अच्छा बना हो ना देगी खास तौर पर सायरा जी, तो वो जान होता है, वो भी नान के साथ के चावलों के साथ निकालो चाव। आई लव इट। और नाजिर आप जानते नहीं कि ब्रेक्स में हम लोग साथ खाने खाते जा रहे हैं, वी लविंग इट, कि जो मंदियाँ आई हैं और फिश आई है और कोरमा आया है, एंड देन वी हैव दैट खीर। खीर तो आला थी वैसे आपकी, मजा आ गया वहां से खीर खा के आज तो। If you win a million dollars, क्या बाय करना चाहोगे? एक खूबसूरत घर अपनी फैमिली के। बहुत बहुत खूबसूरत बात की आपने। मून मॉर्निंग, नून और राइट और नाइट? मॉर्निंग। हाय हाय, मॉर्निंग पर्सन आप तो, राइट पर्सन है भाई। सही बात है। अच्छा, लास्ट फिल्म यू सॉ? कोई पसंद आते हैं पाकिस्तानी ना? पाकिस्तानी मेरे ख्याल से मजाजन देखी है। हाँ, वो तो आला थी, वही देखी थी तब की। गोल्ड और सिल्वर? सिल्वर। टी और कॉफी? टी। टी, और आपको क्या, टी या कॉफी? कॉफी इज लव इन विंटर स्पेशली। और क्या जबरदस्त इन्होंने हमें जवाब सबने दिए हैं, बहुत आला भाई की गेम चली। थैंक यू सो मच गाइस फॉर प्लेइंग इट। और आज तो शो भाग रहे हमारा हवाओं में, एक और गाना हो जाए, और इस बार फिर रहमत मेरी जान, कदरदान मेहरबान लाले की जान, आ जाओ। जनाब टाइम जैसे मानो वक्त भाग गया, खाने खाने में, गाने गाने में, आज का शो हमने कैसे किया है, एक लुत्फ सा आया है। लुत्फ के बाद जो नींद आ रही है, सुरीला खाना और अब इतना खा लिया मेरे नाजरीन को लगता है कि मुझे नींद आ रही है, लेकिन हम अभी सोएंगे नहीं, अभी हमें टप्पे सुनने हैं जी आप लोगों से। लेकिन जाने से पहले अलविदाई पैगाम, बहुत शुक्रिया करेंगे आप सबका। प्रोफेसर सबके साथ साथ अपना भी ख्याल जरूर, ये चीज। प्रोफेसर थैंक यू फॉर कमिंग ओवर, always pleasure, and madami korma was love, 10 on 10, maza aa gaya. Saira wo aayi chai pata kar rahi hai as usual. Main yehi kahungi ki mazbooti ka daman nahi chhodna chahiye, aur bahut sare utar chadhav zindagi ke saath hain, this is life, lekin jo sabse zyada hum is cheez pe amada hai aur hamara tawakkul pe yakeen hai ki allah pe bharosa rakhe wo sab acha karne wala. Bahut ala. और खीर लव थी।
थैंक यू सो मच. बच्चे देखे जाते तो फाइन जनाब. वो आया छाया एज यूजुअल डूट हो गया. मैं बस यही बात कहूँगा, हमेशा की तरह खुश रहें, खुश रखें और अपने आसपास के लोगों को बस देख लिया करें, कोई अफसरदगी हालत में तो नहीं, कोई दुख की हालत में तो नहीं, क्योंकि ये वक्त ऐसा है कि अगर आप लोग किसी का साथ देंगे तो शायद वो खुशी उसके लिए बहुत बढ़कर हो. तो प्लीज सबका साथ. बहुत शुक्रिया अहमद नवाज. नाजरीन नया साल शुरू हो गया है, कल से जो शो में स्टार्ट करूँगा जो अगले हफ्ते से हम स्टार्ट करेंगे मंडे से, उनके काफ़ी सारे नए सेगमेंट्स में लेके आ रहा हूँ आपके लिए. बहुत सारे मैंने नए गेम्स बनाई हैं. मुझे लगता है कि नए साल में चेंजेस तो आनी चाहिए. बहुत से नए टाइप के गेस्ट मिलेंगे आपको, नए लड़के लड़कियाँ जो काम करना चाह रहे हैं फील्ड में. हमारे ऐसे कुछ लेजेंड्स मैंने प्लान किए हैं जिनसे मेरी बात हुई है, अगले हफ्ते आएंगे और एक बड़ा मज़ेदार फन हो क्रिएट होगा बिकॉज एक मिक्स पैक चलता है इस चैनल पर. हम लेजेंड्स को भी लाते हैं, सुपर हिट्स को भी लाते हैं, हिट्स को भी लाते हैं और उनको भी लाते हैं जो नया टैलेंट होते हैं. ठीक है ना. सो वी आर ओपन फॉर ऑल. हमारा नंबर आप लोग जानते हैं व्हाट्सएप का, डू ट्यून इन एवरी डे. हमें आप मैसेज कर सकते हो, ज्वाइन मी ऑन फेसबुक इंस्टा एवरीवेयर DREJAZWRAS. मिलेंगे आपसे अब इंशाल्लाह वीकेंड के बाद. इंजॉय करो वीकेंड, नए साल की खुशियां मनाओ जोश के साथ. हम थोड़ा सा और खाना खाएंगे अभी इसके बाद, थोड़ी चाय भी और पीनी है मुझे दोबारा से. और फिलहाल हम सब झूमेंगे और आप भी आएंगे. गाना क्या है टप्पे इस साल का बेस्ट सॉन्ग मेरे नजदीक ऑफ 2020 लास्ट ईयर का मतलब. तो आइए देखते हैं और अल्लाह हाफिज. सी यू ऑन मंडे. बाय बाय.